मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। जसप्रीत बुमराह, कल के मैच में उनकी गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम, लेकिन आपको याद दिलाते हैं आज से कई साल पहले का वो एक वाकया जिसने इस मैच में और उस मैच में अंतर को खत्म कर दिया। उन्होंने याद दिलाई 24 साल पहले के सचिन के उस ओवर की जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे। 24 नवंबर 1993 को ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 195 रन बनाए थे। वहीं रनों का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम 49वें ओवर तक 8 विकेट खोकर 190 रन बना चुकी थी और फिर कप्तान अजहरुद्दीन ने खेला था वो दाव जो याद रहा सालों तक। सचिन तेंदुलकर के हाथों में थमाई थी वो गेंद 49.1। सचिन तेंदुलकर की गेंद पर ब्रायन मैकलम ने ऑफ स्टंप की ओर शॉट खेलते हुए 2 रन के लिए दौड़ना चाहा, लेकिन डिविलियर्स रन आउट हो गए। अफ्रीका का स्कोर था 191 रन पर 9 खिलाड़ी आउट। अभी भी 5 रनों की जरूरत। दूसरी गेंद, अफ्रीका को 5 रनों की जरूरत, भारत को 1 विकेट की जरूरत। सचिन की गेंद, डोनल का ड्राइव, रन कोई नहीं। 49.3, अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 4 गेंदों पर 5 रन की जरूरत। इस बार भी गेंद ऑफ स्टंप के करीब से गुजरती हुई खाली। 49.4, सचिन की गेंद ऑफ स्टंप पर वाइड के आसपास, अंपायर ने वाइड नहीं दी। अफ्रीका को जीत के लिए 2 गेंदों पर अब चाहिए थे 5 रन। डोनल को 5वीं गेंद, 1 रन लिया गया। अब मैकलन स्ट्राइक पर, सबकी निगाहें सचिन तेंदुलकर पर और मैकलन पर। मैकलन काफी जमे हुए थे। आखिरी गेंद, जीत के लिए चाहिए थे 4 रन, लेकिन सचिन तेंदुलकर की इस जबरदस्त गेंद जो कि ऑफ स्टंप पर थी और गिरने के बाद बाहर की तरफ निकलती गई, सिर्फ रन बना 1। फाइनल स्कोर 193 रन 9 विकेट पर, भारत 2 रनों से ये मैच जीत गया और इस तरीके से भारत ने रखा था ये इतिहास। बुमराह ने भी इस मैच में 8 रन को डिफेंड किया, वहीं सचिन ने इस मैच में मात्र 6 रनों को डिफेंड किया। बुमराह ने 2 रन खर्च किए, सचिन तेंदुलकर ने मात्र 3 रन खर्च किए। बुमराह ने आखिरी ओवर में 2 विकेट झटके, वहीं सचिन तेंदुलकर के इस आखिरी ओवर में 1 विकेट गिरा था। तो इस तरीके से सचिन तेंदुलकर के उस ओवर की याद दिला गया जसप्रीत बुमराह का ये रोमांचक ओवर। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी।